23 मार्च को TV9 भारतवर्ष नाम से एक नया हिंदी समाचार चैनल लॉन्च किया गया। चैनल के शुभारंभ के अवसर पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री ने TV9 भारतवर्ष कॉन्क्लेव में मुख्य भाषण दिया। अब सोशल मीडिया में पीएम मोदी और नेटवर्क के अधिकारियों के साथ बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम ने ऐसी टिप्पणी की जो वहां मौजूद लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और विपक्ष के कई नेता इसे रीट्वीट कर रहे हैं। उनके ट्वीट को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक देख लिया है और 6,000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट में कहा है, सनसनीखेज व शर्मनाक, मोदी जी की TV9 को खुली धमकी। TV9 के CEO रवि प्रकाश को आज PM ने कहा, आपने ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जिनके ब्लड में है मुझे गाली देना। TV9 के CEO रवि प्रकाश ने कहा, बदलाव ला रहे हैं इसमें, जब PM खुलेआम धमकी देंगे तो पत्रकारिता गोदी मीडिया बनेगी ही। दरअसल TV9 के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि प्रकाश से बात करते हुए मोदी कहते हैं, आपने अपने नए चैनल को ऐसे लोगों से भर दिया है जिसके ब्लड में हमको गाली देना है। हैरान रवि प्रकाश जवाब देते हैं, हम इसमें बदलाव ला रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत करो, जीने दो बेचारों को, अगर उनकी आत्मा मर जाएगी तो मजा नहीं आएगा उनको। CEO की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि मोदी ने जो कहा वो सच था, कि चैनल वास्तव में उन लोगों से भरा हुआ है जो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। आप भी देखिए वीडियो। ऐसा मत करो भाई, इसको जीता तो बेचारा को उनकी आत्मा मर जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा उनको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।